नमस्कार, मैं हूं अनीता और स्वागत है आप सबका जेजेएन न्यूज में। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या एक चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में प्रदेश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। बता दें आपको कि योगी सरकार कल यानी 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति का ऐलान करने जा रही है। इसके लिए राज्य विधि आयोग ने कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही ऐसे में लोगों को 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी नहीं मिलने वाला। नए कानून में जिनके एक संतान होंगे उन्हें इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की भी सिफारिश है। और साथ ही 2 बच्चे जिनकी नीति मानने वाले लोग हैं उनको सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त पे रेज भी मिलेंगे। जहां पहले लोगों का मानना था कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा ही काम में हाथ बटेगा, उतनी ज्यादा ही आमदनी घर में होगी, लेकिन अब बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। अब सरकार हम दो हमारे दो वाली नीति अपनाकर जनसंख्या में नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है और इस नीति को मानने वाले लोगों को अलग अलग रूप में लाभ भी दे रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो लोग पहले से ही सरकारी सेवाओं का आनंद उठा रहे हैं और उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, इस नीति के लागू होने के बाद उन पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही सरकार की ये जनसंख्या को नियंत्रित करने वाली नई नीति कितनी कारगर साबित होती है, इस पर आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जेजेएन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।